चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर कुछ समय पहले कहा गया था कि वाकई ये लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की कहीं ना कहीं इसमें हत्या हो रही है, वो आज सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो काफी ज्यादा बयानबाजियां हो रही थी और जिस चीज का इंतजार था, आखिरकार आज वो पूरा हो गया है। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इसके बाद ट्विटर की बौछार नजर आ रही है। ट्वीट करते हुए जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो नहीं थक रहे हैं, लोकतंत्र की जीत इसे बता रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीठासीन इस पूरे मामले में सिर्फ एक मोहरा था या इसके पीछे कुछ और बात थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वाकई कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कुछ समय पहले कहा गया था कि वाकई ये लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की कहीं ना कहीं इसमें हत्या हो रही है, वो आज सही साबित हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। इसके बाद खुशी की लहर आम आदमी पार्टी खेमे में नजर आ रही है और इतना सुनते ही जो कुलदीप कुमार है उनके आंसू छलक पड़े। परिवार भी खुशी के मारे झूमता हुआ नजर आया, लेकिन आंखों में नमी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगा दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया है। आपको बता दें कि कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले कहा गया कि हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी और आज जब अनिल मसीह अंदर पेश होने के लिए जा रहे थे तो उनके हाव भाव कुछ अलग नजर आ रहे थे। वो जो डर था या ये कहें कि वो जो टेंशन थी वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। क्या ये सब करवाया गया था जानबूझकर या महज एक इत्तेफाक था? खैर, ये तो जांच का विषय है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है, इसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो। बस इतना भर था और जीत आम आदमी पार्टी की हो गई। दरअसल सीजीआई के बेंच के सामने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मांगे थे जो कोर्ट रूम पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा किया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप कुमार क्या बोलते हुए नजर आए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन कुचलाया दबाया नहीं जा सकता। सच की जीत होती है। चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीत कर आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचा कर रखना है। लोकतंत्र की हत्या हुई है।
दरअसल सोमवार की सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र का मजाक है। इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत की वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की थी। चलिए एक बार फिर से वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। कैमरे की तरफ आखिर क्यों देखा जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल यही था इस पूरे मामले को लेकर। जितने भी दिन ये पूरा मामला चला है, मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को। कोर्ट में दिखाई गई वीडियो क्लिप्स उस समय की थी जब वोट आयोग ठहराए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सीजीआई ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है और कैसे नियुक्त होता है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछे कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, 8 पेपर पर मार्क लगाए थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कहा कि वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था, इसलिए मैं वहां देख रहा था। कोर्ट ने पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया या नहीं। मसीह ने कहा, हाँ मैंने 8 पेपर पर लगाए थे मार्क, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर झपट लिए और फाड़कर भागे थे। कोर्ट ने पूछा कि लेकिन आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे, किस नियम के तहत आपने ये कार्रवाई की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 19 तारीख को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह अवलोकन और वीडियो लाने के लिए मंगलवार को न्यायिक अधिकारी को तैनात करें। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने का निर्देश प्रशासन को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार दोपहर 2 बजे मतपत्रों और मतों की गिनती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया जाएगा। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा कि खरीद फरोख्त हो रही है, हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चंडीगढ़ महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर किसी और दिन सुनवाई की जाए। कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह से पूछा कि उन्होंने मतपत्रों पर क्रॉस निशान क्यों लगाए। निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कहा कि उन्होंने 8 विकृत मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर जब आज फैसला आया, चारों तरफ आम आदमी पार्टी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन की इस हरकत से बीजेपी की फजीहत जरूर हुई है। इस पूरे मामले के बाद खुशी जाहिर करने के लिए और लोकतंत्र की हत्या होने से बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी, जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करें, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कट समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। तो चलिए आगे इस पूरे मामले को और थोड़ा सा समझ लेते हैं कब क्या हुआ। 24 जनवरी की बात है,
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया। 30 जनवरी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 4 वोट से बीजेपी को जीत मिली जबकि 8 वोट रद्द किए गए। 31 जनवरी हाई कोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। 5 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, रिटर्निंग अधिकारी पर चलाया जाना चाहिए मुकदमा। नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली बैठक को स्थगित किया गया। 18 फरवरी को क्या हुआ, चंडीगढ़ के मेयर का इस्तीफा, आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 19 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने खरीद फरोख्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि वो 20 फरवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगा। अदालत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया है, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने इसे हत्या के समान करार देते हुए लोकतंत्र का मजाक बताया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा हम दोपहर 2 बजे खुद रिकॉर्डिंग देखेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने महापौर चुनाव के मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय किसी और दिन किए जाने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा खरीद फरोख्त हो रही है। शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुपालन में मसीह पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायाधीशों ने कुछ मतपत्रों में कथित छेड़छाड़ के मामले में उनसे सवाल किए। न्यायाधीशों के सवालों का जवाब देते हुए मसीह ने कहा कि उन्होंने पहले ही विकृत 8 मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हंगामा करने, मतपत्र छीनने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इसी के चलते वो मतगणना केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहे थे। आप पार्षद कुलदीप कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया जिसने चंडीगढ़ में दोबारा महापौर चुनाव की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की। महापौर पद के लिए बीजेपी के मनोज सोनकर ने आपके कुलदीप कुमार को हराया। उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले, 8 वोट अवैध घोषित किए गए थे। ये कहानी है 30 तारीख से लेकर अब तक की, लेकिन फिलहाल बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दिया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो गलत था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी कर दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। तो ऐसे में कुलदीप कुमार को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर बहुत सारी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से अभी कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है। तो कहा जा सकता है कि जो भी गलत हुआ है मुख्य न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय वो इंसाफ करने के लिए बैठा है। बस हमें इंतजार करना है उस दिन का और इंतजार करना है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही आज की तस्वीर में नजर आता है। भारत एट 9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।